Assalamu alaikum, you are listening to Muhammad Saleem. If you like my work, please subscribe my channel, sharing video with friends by leaving comments. And now let's move to our topic. आज हमने C++ programming का for loop lecture start करना है. तो आइए हम सबसे पहले for loop की definition देख लेते. For loop executes one or more statements for specified numbers of times. This loop also called counter controlled loop. इसमें वो कहता है कि for loop एक या एक से ज्यादा statements को एक मखसूस time में run करता है. एक limit होती है कि specified time होता है इसके पास, उसके बाद ये terminate हो जाता है. This loop also called counter controlled loop कि ये एक counter controlled loop है, यानी कि digit को count करता है और काउंट करने के बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहता है. उस वक्त तक करता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, यानी कि उसकी काउंटिंग की लिमिट जो है वो खत्म ना हो जाए. अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. सिंटैक्स फॉर, सबसे पहले आपने फॉर लिखना है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, स्टार्ट स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट एन. ये फॉर लूप का सिंटैक्स है. तो यानी कि सबसे पहले वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद कंडीशन आएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है. उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे हमारी लूप की बॉडी है, तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट्स आएंगी, पूरा एंड पे हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दें. अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं. फ्लो चार्ट, ये फोर लूप का फ्लो, इसमें क्या काम करता है. सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेट होती है, हमें पता है हमारा जो कंट्रोल है वो कंडीशन में दाखिल होता है. कंडीशन में दाखिल होने के बाद कंडीशन चेक होती है. अगर तो आप पीछे मैं बता चुका हूँ कि आपने फोर लूप में भी आपने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करनी है वेरिएबल की, उसके बाद कंडीशन चेक होगी. अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी में जाएगा कंट्रोल और लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी. एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें इंक्रीमेंट होगा. अगर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो इंक्रीमेंट होगा, अगर हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो डिक्रीमेंट होगा. उसके बाद दोबारा फिर कंट्रोल जो है कंडीशन में दाखिल हो जाएगा. इस तरह ये रिपीट होता रहेगा उस वक्त तक जब तक के इसकी एक पीछे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो फोर लूप है वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को. तो ये उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक इसकी कंडीशन रॉन्ग नहीं हो जाती. अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो कंट्रोल है लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, फिर ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो अब हम इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं. सिंपल प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम दैट फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 टू n, वेयर n इज ए पॉजिटिव नंबर दैट इंटर बाय. वो कहता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने यूजर से वैल्यू लेनी है. वैल्यू लेने के बाद जो वैल्यू यूजर देगा, एक से लेकर उस वैल्यू के दरमियान जितने डिजिट आएंगे उन सब का स्क्वायर लेने के बाद फिर उनका सम एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है, और फिर वो सम कितना होगा वो आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवा देना है. तो आइए हम इसे डेव में देख लेते हैं. उसने दी शर्त दी है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटर करेगा यूजर. सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लिख लेते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग स्पेस एसटीडी, उसके बाद हमारा इंट मेन फंक्शन होता है, और कर्ली ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं अपने. उसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट एन, और सी. ये मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं. उसके बाद हमने जो सम स्टोर करवाना है वो यूजर कोई भी वैल्यू, कोई बड़ी वैल्यू भी दे सकता है, इसलिए हम सम स्टोर करवाने, सम में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए इंट डेटा टाइप्स नहीं लेंगे. हम यहाँ पे लॉन्ग लिखेंगे, और अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लॉन्ग सम. तो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखें अगर यूजर वैल्यू बड़ी दर्ज कर देता है तो स्केयर होकर बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी. तो इंट एक छोटी सी टाइप के लिए होता है, तो लॉन्ग इंट जो होता है वो जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी तो फिर एरर नहीं आता, इसलिए मैंने लॉन्ग इंट लिया है क्योंकि स्केयर होने के बाद वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी.
तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे, सम को वैल्यू देते हैं जीरो की, सम इक्वल टू जीरो कर देते हैं, अभी तक सम में कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम फोर, उसके बाद हम यूजर को मैसेज देते हैं कि आप कोई भी नंबर इंटर करो, तो उसके लिए हम सीआउट लिखते हैं, कोटेशन लगाते हैं और मैसेज दे देते हैं इंटर एनी इंटीजर नंबर। वो नंबर जो भी दर्ज करेगा यूजर, तो वो सी ई नाम करवा देते हैं एन नाम के वेरिएबल में। यहाँ पर हम फोर लूप लगा देते हैं। फोर लूप का आपको सिंटैक्स याद होगा कि यहाँ पे वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है, तो मैं सी नाम के वेरिएबल को वन की वैल्यू दे देता हूँ। पिछले लेक्चर में हम जो व्हाइल डू व्हाइल लूप स्टडी कर चुके हैं, उसमें हम वेरिएबल इनिशियल ऊपर ही कर लेते थे, लेकिन इसमें हम फोर लूप में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सेमी कॉलम लगाना है, स्पेस, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं सी लेस देन इक्वल टू एन, उसके बाद सेमी कॉलम, और उसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं प्लस प्लस। तो देखिए मैंने फोर लूप लिखा है कि फोर सी वन सी इज इक्वल टू वन सी लेस देन इक्वल टू एन, यानी लूप उस वक्त तक चलेगा, लूप उस वक्त चलेगा जब सी एन से लेस देन रहेगा। अब सी की वैल्यू वन है, हमने प्रोग्राम आपको याद होगा कि वन से लेकर यूजर जितनी जो वैल्यू दर्ज करे उसके दरमियान में जो डिजिट आएंगे उनको हमने स्क्वायर करके सम में स्टोर करवाना है, उनका सम हमने स्टोर करवाना है, तो इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई है। और सी में एक एक का इंक्रीमेंट भी कर दिया कि हर दफा एक का इंक्रीमेंट होगा, उस वक्त तक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब सी की वैल्यू एन से बड़ी नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। जब सी की वैल्यू एन से बड़ी होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ पे लूप की बॉडी लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या एक स्टेटमेंट लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस, उसके बाद हमने स्केयर करवाना तो सी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। इस कंडीशन से जो भी यानी कि वैल्यू होगी सी की वो मल्टीप्लाई होके सम नाम के वेरिएबल में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्टोर होती रहेगी। अब हम यहाँ पे सी आउट का फंक्शन लगा देते हैं कि सम में जो वैल्यू आए वो स्क्रीन पे शो हो जाए, प्लीज, ठीक है। उसके बाद हम लेस देन ऑपरेटर लगाएंगे दोबारा, और हम यहाँ जिस वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है वो सम नाम के वेरिएबल में पड़ी, इसलिए मैंने सम लिख दिया। और उसके बाद हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपने रिटर्न जीरो लिखना है। अब हम इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, जीरो एरर है, इसे रन कर लेते हैं। इंटर नंबर्स 34 दे देता हूँ, तो देखें सम ऑफ द स्क्वेयर्स इज, तो 34 का अगर 1 से लेकर 34 तक जितने भी डिजिट आएंगे उनका स्क्वेयर जो बनेगा ये होगा, ठीक है। हमारा प्रोग्राम रन हो गया, जो हमें रिक्वायरमेंट मिली थी कि आपने कैसा प्रोग्राम लेना है कि आप जो यूजर से वैल्यू लो उस वैल्यू से लेकर वन से लेकर उस वैल्यू तक जो भी डिजिट आए उनका स्क्वायर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए प्लस होके, तो वो हमारा प्रिंट हो गया। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।